हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDC। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे क्रीम के बारे में। तो क्रीम क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर जो आपकी क्रीम होती है, ये आपकी कैसी होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। यानी कि यहाँ पर जो आप क्रीम को परफॉर्म करते हैं, क्रीम को जो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो जो क्रीम होती है, ये आपकी ना ही सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो क्रीम होती है, ना ही ये सॉलिड फॉर्म में होती है और ना ही ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका सॉलिड भी यूज़ होता है, कुछ परसेंट आपका सॉलिड यूज़ किया जाता है और कुछ परसेंट यहाँ पर लिक्विड यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये जो प्रिपरेशन होती है, इसको हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस बोलते हैं। तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस आर दोज प्रिपरेशंस विच हैव बोथ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स, तो मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस टाइप की प्रिपरेशन को हम जनरली क्या बोल रहे हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बोल रहे हैं। तो ना ही ये आपके सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ना ही आपके लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो ये कैसे होते हैं, आपके सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रीम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दीज आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्सन्स विच आर मीन्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। ये कैसे होते हैं, आपके सेमी सॉलिड इमल्शन फॉर्म में होते हैं, जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। पर्टिकुलर कंपाउंड का यहाँ पर एक्सटर्नली क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया है, द क्रीम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है, एक होती है एक्वस क्रीम और एक होती है ऑयली क्रीम। अब एक्वस क्रीम और ऑयली क्रीम में क्या डिफरेंस होता है, समझते हैं। यहाँ पर एक होती है आपकी, फर्स्ट टर्म में एक चीज़ छुपी हुई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वा। और एक्वा का मीन क्या होता है, वाटर। यानी कि ये जो क्रीम है, ये ऑयल इन वाटर नेचर की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा है और ऑयल कंटेंट कम है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एक्वस क्रीम। एक्वस क्रीम का मतलब ही होता है, यानी कि वाटर कंटेंट ज़्यादा और ऑयल कंटेंट कम। तो ये कैसी होती है, आपकी ओ वाया डब्ल्यू क्रीम होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस क्रीम। और एक होती है आपकी ऑयली क्रीम। तो ऑयली क्रीम का मतलब सिंपल सा है, यानी कि ऑयल कंटेंट ज़्यादा है और वाटर कंटेंट कम है। तो इस टाइप की क्रीम को हम क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल क्रीम। तो दो टाइप की हमारी क्रीम्स होती हैं, एक होती है ऑयल इन वाटर क्रीम और एक होती है वाटर इन ऑयल क्रीम। तो दो कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों टाइप्स की क्रीम कौन कौन सी क्रीम्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एक्वस क्रीम की। इन केस ऑफ एक्वस क्रीम द इमल्शंस आर ऑयल इन वाटर टाइप। यानी कि जो आपकी एक्वस क्रीम होती है, इनमें जो आपका इमल्शन होता है, वो आपका किस फॉर्म में होता है, ऑयल इन वाटर टाइप की क्रीम होती है। यानी कि ऑयल की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है, और वाटर की क्वांटिटी मोर होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ ऑयली क्रीम इमल्शंस आर वाटर इन ऑयल टाइप एक्स पॉन्ड्स क्रीम। जो पॉन्ड्स क्रीम होती है, ये आपकी कैसी होती है, वाटर इन ऑयल होती है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो कभी आपसे कोई पूछे कि जो पॉन्ड्स क्रीम होती है, ये किस टाइप की क्रीम होती है, ऑयल इन वाटर होती है या वाटर इन ऑयल होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये आपकी वाटर इन ऑयल होती है। यानी कि वाटर कंटेंट कम होता है, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। ये आपकी क्या होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है, यानी कि वाटर को रिटेन करके रखती है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर दैट मीन इट रिटेन द वाटर कंटेंट इन स्किन। तो इसीलिए स्किन को क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है और स्किन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद द ऑयल इन वाटर टाइप क्रीम इज रिलेटिवली नॉन ग्रीसी। जो आपके ऑयल इन वाटर क्रीम होती हैं, जो आपके ऑयल इन वाटर क्रीम होती हैं, यानी कि जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो आपकी नॉन ग्रीसी नेचर की होती हैं। उनमें ग्रीसीपन जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू ऑयली क्रीम के अकॉर्डिंग। यानी कि ये जो पॉइंट्स क्रीम है, ये थोड़ी सी ग्रीसी नेचर होती है, क्योंकि ये कैसी है, डब्ल्यू वाया ओ क्रीम है।
इन एक्वस क्रीम द इमल्सीफाइंग एनायनिक कैटायनिक एंड नॉन आयनिक वैक्सेस पॉलीसॉर्बेट्स एंड ट्राई इथेनोलामाइन सॉप्स आर यूज एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट। यानी कि जो आपके एक्वस क्रीम होती हैं इसमें एनायनिक कैटायनिक और पॉलीसॉर्बेट जो आपके क्या होते हैं आपके एक इमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं। इन टाइप के एजेंट्स को जनरली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एक्वस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए, एक्वस क्रीम को बनाने के लिए। उसके बाद द ऑयली क्रीम्स आर जनरली प्रिपेयर्ड विथ इमल्सीफाइंग एजेंट सच एज बूल फैट, बूल एल्कोहल्स, वीज वैक्स एंड कैल्शियम सॉप। जो आपकी ऑयली क्रीम होती हैं उनमें जनरली बूल फैट का, बूल एल्कोहल का या फिर वीज वैक्स का यूज किया जाता है। वॉट इज बूल फैट? तो जो आपका बूल फैट होता है, लिपिड आपके तीन कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड और एक होता है आपका ड्राइव्ड लिपिड। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं उसमें जो कॉन्जुगेटेड कैटेगरी होती है, इस कॉन्जुगेटेड कैटेगरी में ही आपके जनरली आते हैं जितने भी आपके क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, लिपोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ये सब किस में आते हैं आपके कॉन्जुगेटेड्स में। ये जो बूल फैट है आपका, ये एक तरीके का क्या होता है, सिंपल लिपिड होता है। ये क्या होता है, सिंपल लिपिड होता है। और सिंपल लिपिड में भी ये किस में आता है आपका, वैक्स में आता है। तो बूल फैट क्या है, एक वैक्स होता है जो कि सिंपल लिपिड का पार्ट होता है। इसको हम लिनोलिन के नाम से भी जानते हैं। ए सूटेबल प्रिजर्वेटिव इज जनरली एडेड इन एक्वस क्रीम विच हैव द टेंडेंसी टू बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। यानी कि यहाँ पर क्या किए जाते हैं, कुछ आपके प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का मीन क्या होता है, जो आपके कंपाउंड को प्रिजर्व करके रखते हैं। इस टाइप के एजेंट्स को जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर क्रीम को प्रिजर्व करने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके जितने भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको खराब होने। द टॉपिकल क्रीम फॉर्मुलेशन हैज ए हायर कंटेंट ऑफ ऑयली सब्सटेंस देन जेल बट अ लोअर कंटेंट ऑफ ऑयल इंग्रेडिएंट डेंट ऑइंटमेंट। यानी कि जितने भी आपके क्रीम्स होते हैं इनमें जेल के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, तो जो आपकी क्रीम्स होती हैं, एक हो गई आपकी क्रीम, एक हो गई जेल और एक हो गया आपका ऑइंटमेंट। तो क्रीम और ऑइंटमेंट में अगर मैं और जेल में कंपैरिजन करूं, तो क्रीम में ऑयली जो कंटेंट होता है ये जेल से कैसा होता है, ज़्यादा होता है, बट ऑइंटमेंट से कैसा होता है, कम होता है। वैक्सेस पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एज द वहीकल फॉर एक्सटर्नल स्किन एप्लीकेशन, जो कि एज ए आपके क्या यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नली स्किन एप्लीकेशन एज ए यूज़ किए जाते हैं आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट है आपका, क्रीम शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर विच प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड कंटामिनेशन। ये जो क्रीम होती हैं इनको हमें किस में रखना होता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में आपका प्रॉपर तरीके से इसको रखना होता है, जिससे क्या होता है, जो कंटामिनेशन होते हैं, कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मोस्टली आपकी जो क्रीम होती हैं इन क्रीम को कोलैप्सिबल ट्यूब में भी रखा जाता है। कोलैप्सिबल ट्यूब इस टाइप के, ये क्या होते हैं आपके कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं, प्रेस करने पर आपकी जो क्रीम होती है वो बाहर आती है। तो ये कोलैप्सिबल ट्यूब आपके कैसे होते हैं, जनरली आपके प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड होते हैं, स्टेरिलाइज होते हैं, जिससे आपका यहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स ऑफ मेटल और सूटेबल प्लास्टिक शुड बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ क्रीम। यानी कि जो आपके कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं मटेरियल को प्रॉपर तरीके से सूटेबल कंडीशन से क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए कोलैप्सिबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सबसे पहला दिया है आपका क्या,
ऑयल इन वाटर के एम की बात करते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन कंटिन्यूअस फेज। व्हाट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फेज, पहले इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पर इस कंटेनर में मैंने क्या किया, हमें क्या बनाना है, ऑयल इन वाटर क्रीम बनाना है। तो वाटर भी ऐड करेंगे और ऑयल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका वाटर है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में क्या है, वाटर है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे। और ऑयल की हम क्या लेंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स लेंगे। तो ऑयल की मैं कुछ डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर कुछ ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स ले लिए। तो वाटर में मैंने क्या किया, ऑयल्स के कुछ ड्रॉपलेट ऐड कर दिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑयल इन वाटर क्रीम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। तो जब कम क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम उसी चीज़ को लेते हैं तो उसको हम डिस्पर्स मीडिया बोलते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम कंपोज्ड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट ऑयल डिस्पर्स इन कंटिन्यूस फेज, यानी कि कंटिन्यूस फेज हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस फेज होगा हमारा वाटर। तो वाटर हमारा कंटिन्यूस फेज है और ये जो ऑयल है ये क्या है, डिस्पर्स फेज है। उसके बाद मोर कंफर्टेबल एंड कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल की जाती है, जो क्रीम्स सबसे ज़्यादा आपकी कैसे होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, वो होती हैं ऑयल इन वाटर नेचर की। क्यों, लेस ग्रीसी होती है, पेशेंट इजीली एक्सेप्ट करते हैं, चिपचिपापन कम होता है, इसीलिए जनरली ये क्रीम्स आपकी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका लेस ग्रीसी एंड मोर इजीली वॉश्ड ऑफ यूजिंग वाटर। ये कैसी क्रीम्स होती हैं, ये आपकी लेस ग्रीसी होती हैं। लेस ग्रीसी होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट इजीली इसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई करने के बाद इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसलिए भी पेशेंट इसको आपके क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ नेचुरल ओरिजिन्स वीजबैक्स वूल एल्कोहल वूल फैट एमोलियंट क्रीमी वाइट और ट्रांसल्यूशेंट एंड स्टिफ। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वेनिसिंग क्रीम, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वूल फैट हो गया, आपका वीज वैक्स हो गया, वूल एल्कोहल हो गया, वूल आपका एमोलियंट यूज़ होते हैं। तो इससे क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है इस क्रीम को और भी ज़्यादा प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की हैं हमने, एक तो ऑयल और एक वाटर, जो कि कैसे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मीन्स दोनों एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी आप देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, वैनिसिंग क्रीम। ये भी आपकी क्या है, गार्नियर स्किन नेचुरल वैनिसिंग क्रीम, जो कि यूज़ की जाती है जनरली। ये भी आपकी पॉन्ड्स की क्या है, वैनिसिंग क्रीम है, ऑयल कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं वाटर इन ऑयल क्रीम की। तो अभी हमने बात की किसकी, ऑयल इन वाटर क्रीम की, अब बात कर लेते हैं वाटर इन। तो वाटर इन ऑयल क्रीम्स में क्या होता है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। कैसे, वहाँ पर क्या था, ऑयल इन वाटर था, यानी कि ऑयल की क्वांटिटी आपकी किस में ऐड की थी, वाटर में। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या था, वाटर था, और कम अमाउंट में क्या था, ऑयल था। यहाँ पर क्या है, वाटर इन ऑयल है, मीन यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा क्या लेंगे, सबसे ज़्यादा लेने वाले हम क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक। और इसमें हमने क्या ऐड किया, ये ऑयल ले लिया हमने, और इसमें हमने कुछ ड्रॉपलेट आपके किसकी ऐड कर दी, वाटर की, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर इन ऑयल क्रीम बनानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका ऑयल फेज दिख रहा है आपको, ये ऑयल फेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। तो वाटर क्या है आपका, डिस्पर्स्ड। इस टाइप की क्रीम को हम क्या बोलते हैं,
डब्ल्यू वाया ओ क्रीम, यानी कि वाटर इन ऑयल क्रीम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आयोर कंपनी की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आयोर, ये आपका एक कंपनी का क्या आता है, कोल्ड क्रीम आता है। जैसे सी वाटर आपका कोल्ड क्रीम आता है, उसके बाद सेटाफिल आता है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रीम्स होते हैं, जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं आपके विंटर इन सीज़न में। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर डिस्पर्स इन कंटिन्यूस ऑयली फेस, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को आपके ऑयल में डिस्पर्स करते हैं, जिसको हम कंटिन्यूस फेज बोल रहे हैं। तो उस कंटिन्यूस फेज में हम क्या करते हैं, ऑयल के ड्रॉपलेट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद मोर डिफिकल्ट टू हैंडल बट मैनी ड्रग्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन क्रीम आर हाइड्रो फॉबिक। लेकिन ये जो क्रीम होती है आपकी वाइडली यूज़ नहीं की जाती है, लोग बहुत ज़्यादा इनको प्रिफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रिसी इन नेचर होते हैं और इजीली वॉशेबल नहीं होते हैं, इसीलिए आपका ये क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। बट यहाँ पर एक रीज़न क्या है इन क्रीम को बनाने का, सर जब क्रीम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती हैं आपकी ऑयल इन वाटर क्रीम, तो हम ऑयल इन वाटर क्रीम क्यों नहीं प्रिफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है। यहाँ पर वाटर का कंटेंट कम है, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है। तो ऐसे ड्रग जो वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इस टाइप के ड्रग के लिए हम जनरली क्या प्रिफर करते हैं, वाटर इन ऑयल क्रीम। इसीलिए हम वाटर इन ऑयल क्रीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रिलीज मोर रेडली फ्रॉम अ डब्ल्यू ओ क्रीम देन ओ बाया डब्ल्यू क्रीम। मोर मॉइस्चराइजिंग एज दे प्रोवाइड एन ऑयली बैरियर विच रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द स्ट्रेटनम कॉर्नियम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम। तो ये जो आपकी कोल्ड क्रीम होती है, जो कि कैसी होती है, वाटर इन ऑयल क्रीम होती है, ये क्या करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं स्किन पर, तो वहाँ पर ये एज ए मॉइस्चराइजिंग का काम करती हैं। मीन ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होती है स्किन की, उस स्ट्रेटनम कॉर्नियम लेयर से क्या करते हैं, वाटर को रिमूव होने से बचाते हैं, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं, जिससे हमारी स्किन कैसी रहती है, आपकी मॉइस्चराइज रहती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम बीपीसी, तो ये क्या है आपकी हाइड्रोकॉर्टिसोन बीपीसी, क्या है आपकी जनरली ये क्रीम है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स, कितना लिया है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, हाइड्रोकॉर्टिसोन का अल्ट्रा फाइन पाउडर लिया है, कितना, 10 ग्राम। ठीक, अल्ट्रा फाइन पाउडर का मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हमने इसके लिए हैं, बहुत ज़्यादा फाइन से भी, वेरी फाइन से भी ज़्यादा क्या है ये, फाइन इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फाइन। एक होता है फाइन, एक होता है वेरी फाइन, एक होता है अल्ट्रा फाइन। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने क्या लिए हैं आपके हाइड्रोकॉर्टिसोन के लिए हैं, कितना, 10 ग्राम पाउडर फॉर्म में हमने इसको प्रिफर किया है। उसके बाद सीटोमैक्रोगोल इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट हमने कितना लिया है, 300 ग्राम, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट किसका लिया है, सीटोमैक्रोगोल का। उसके बाद क्लोरोक्रिशॉल लिया है, कितना, 1 ग्राम, और उसके साथ साथ प्योरीफाइड वाटर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने क्या लिया है, प्योरीफाइड वाटर लिया है, जिसको हमने क्या किया है, फ्रेशली बॉइल किया है और उसको फिर कूल कर लिया है। अब कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल सा है, डिजॉल्व द क्लोरोक्रिसोल इन वाटर विद द एड ऑफ जेंटल हीट। सबसे पहले क्या करना है कि जो क्लोरोक्रिसोल है उसको वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है जेंटल हीट पर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही हमें हीट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मेल्ट द सीटोमैक्रोगोल इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट ऑन ए वाटर बाथ। उसके बाद इसको हमें सीटोमैक्रोगोल, ये क्या है आपका, एक इमल्सीफाइंग आपका एजेंट है, जो कि क्या करेगा, वाटर और ऑयल के बीच में आपका जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, एक दूसरे से क्या नहीं हो पा रहे थे, मिसिबल नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें मिसिबल करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो इसको भी क्या करते हैं, वाटर बाथ पे क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। उसके बाद एड द क्लोरोक्रिसोल सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर स्ट्रायर अंटिल कोल्ड हाइड्रोकार्बन्स
सोन्स बिटेट, यानी कि फिर उसके बाद क्या करना है, क्लोरोक्रिसोल सॉल्यूशंस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबको मिक्स करके उसको स्ट्राइड करना है। स्ट्राइड करने के बाद इसको कोल्ड करके, कोल्ड करने के लिए रख देना है। जैसे वो कोल्ड होगी उसके बाद आपका जो क्रीम होगा वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा आपका क्या, प्रॉपर तरीके से आपका क्रीम। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स क्या क्रीम किस तरीके से बनता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओ बाय डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बाय ओ क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।